अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह से देख सकते हैं आज हमने बनाई है चॉकलेट आइसक्रीम, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। बहुत ही कम टाइम और बहुत ही जल्दी हमने ये बना ली थी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले तमाम नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने में मिल सके। और मेरी वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बन के तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है दूध, 1/2 कप मैंने यहाँ पे शुगर शामिल कर रही हूँ, और 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे कोको पाउडर। ये तीनों चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, किसी भी वीटे से आप इसको अच्छा मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको पैन में डाल के, फ्लेम को ऑन मैंने कर लिया था, इसको हम पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़े से सारी इस पर चीनी और ये जो हमने कोको पाउडर डाला है अच्छी तरह से मिक्स होकर थिक सी हमारी ये पेस्ट हमारे रेडी ना हो जाए। देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा इसको टाइम है, लेकिन अभी तो लग रहा है थोड़ा सा ये गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसको 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद पका के फ्लेम को ऑफ कर दिया था, उसको मैंने ठंडा होने के रख दिया था। यहाँ पर मैंने एक बोल में कुछ आइस डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब हम इसमें विप क्रीम शामिल कर लेंगे, और इसको हम विप करेंगे। तब तक विप करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से विप ना हो जाए, मतलब कि ये क्रीम अच्छी तरह हमारे रेडी ना हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह से विप करना है इस तरह से। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने मेरी रेसिपी को लास्ट तक लास्ट में देखिएगा। देख सकते हैं इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए विप किया था, कितनी अच्छी हमारी इस तरह से विप हो। जब ये नीचे ना गिरे तो मतलब कि हमारी ये विप क्रीम रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें शामिल कर लूँगी जो मैंने चॉकलेट पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे ताकि इसकी बाहर तक ये बाहर ना फैले। तो आसान हम इसमें शामिल करने के बाद इसके थोड़े से हम चॉकलेट चिप्स भी इसमें शामिल करेंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं ये रेडी हो चुकी है। अब इसको हम एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर देंगे 8 घंटे के लिए। हम इसमें इसको फ्रीज़ करना है। बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम बन के तैयार होगी। बाज़ार से भी जो हम लाते हैं उससे भी ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट होगा, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है, और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है, ये इतना टाइम उसको नहीं लगता। तो ये देख सकते, इसको हमने रैप कर लेना है इस तरह से। तो इसको अपने हाथों के मतलब सारे सारे जो है इसके अंदर कोई भी हवा बिल्कुल भी ना हो, हमने हवा जो है बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने देनी। इस तरह से अपने फिंगर के साथ इसको प्रेस करके इस तरह से ये हमारी शीट है ऊपर सारी तरह से लग जाए इस तरह से। आपने फिर इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको अच्छी तरह से बंद करके इसको 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देना है। 8 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 घंटे के बाद इसको हमने खोलने लगे हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, ये देखने में मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, ये तैयार हो चुकी है। अब इसको ऊपर से हम इसका रैप उतार लेते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह देख कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चॉकलेट आइसक्रीम बन के तैयार है, और बहुत ही मज़ेदार सी ये चॉकलेट आइसक्रीम है। घर में बनाए बना के बच्चों को दे, बच्चों को तो चॉकलेट आइसक्रीम वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, चेक करके भी दिखा देती हूँ ये कितनी माशाल्लाह से हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बन के तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।